दो टीम्स के कितने बार मैचेस के फाइट होना कोइंसिडेंट है? कोइंसिडेंस नहीं होता ब्रो, वो मैच है, उस मैच में कुछ भी आप करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसीलिए वो बैटल रॉयल है। तुम बार बार एक ही टीम के ड्रॉप लोकेशन पे उतरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 8-bit एक्सो के ड्रॉप पे मिल्टा पे घुस रही है, खेल रही है, कोई नहीं मना कर सकता, ना ही सामने वाली टीम बुरा मान सकती है, ठीक है। जैसे टीम सोल, वो भी एक्सो के ड्रॉप पे उतरे थे फाइनल्स में, तो बैटल रॉयल है, उसमें आप कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पैन गेम का पार्ट है तो है, जब पहले पार्ट हुआ करता था तो अब पार्ट क्यों नहीं है भाई, पहले भी तो पार्ट था, अभी भी पार्ट होना चाहिए ना। तो बात कोइंसिडेंस की नहीं है, अगर कोई किसी को टारगेट करना चाहे या फिर कोई किसी के खिलाफ खेलना चाहे, वो बार बार वो चीज़ कर सकता है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि भैया तुम हमारा ऐसा बोल दे PMGC या फिर जो लोग हैं जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं वो बोल दें कि नहीं भैया आप किसी का ऐसा रोटेशन काट नहीं सकते, तो वो गलत है ना यार। वो बैटल रॉयल गेम है, अगर आपको उतना खेलना आता है तो कोई भी आपको टारगेट करने आता है, कोई भी आपको कंटेस्ट करने आता है, लड़ो लड़ो और जीतो। कल सोल ने ऑब्वियसली दोनों की दोनों फाइट जीती है, 7C के साथ वो शायद एक पोचिंकी के पीछे वाले हिल पे फाइट हुई थी वो भी वो जीते, सेकेंड जो पोटैटो हिल पे हुई थी वो भी वो जीते। तो अगर काबिलियत है तो जीतो, और वो काबिलियत है उनके अंदर, वो जीत रहे हैं इजी। जैसे 8-bit की बात करो, वो गए कंटेस्ट करने के लिए एक्सो पे, दो बार एलिमिनेट करा, एक्सो को मिल्टा पे भी एलिमिनेट करा, एक्सो को लॉस लियोनस पे भी एलिमिनेट करा। तो भाई जब आपको खेलना है, आपको आता है खेलना, तो खेलो।